सो टॉप 10 मोस्ट पावरफुल डीमंस बनाने के बाद मुझे आप लोगों से काफी सारी रिक्वेस्ट्स आ रही थी कि मैं एक बार गोस्ट राइडर वर्सेस लूसीफर के बीच में एक वर्सेस बैटल बनाऊं। सो यस गाइस, आपके रिक्वेस्ट्स को फुलफिल करने के लिए हम लोग आज की वीडियो में बात करेंगे कि कौन जीतेगा इन अ बैटल बिटवीन गोस्ट राइडर वर्सेस लूसीफर। सो गाइस, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। एंड अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, बगल में बेल आइकन भी होगा उसको भी दबा देना ताकि आप हमारे वीडियोस के फ्यूचर में आने वाले नोटिफिकेशंस मिस ना कर पाएं। सो यस गाइस, अब लेट्स बिगिन। सो पहले अगर मैं बात करूँ गोस्ट राइडर की, तो जो स्पिरिट ऑफ वेंजेंस है यानी कि ज़ेराथोस, वो जब अपने होस्ट को चुन लेता है तो उस होस्ट को दे देता है बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ पावर्स एंड एबिलिटीज, पूरी तरीके से सुपर नेचुरल पावर्स देता है वो। अब क्योंकि ज़ेराथोस एक डीमन लॉर्ड है तो उसकी ज्यादातर जो पावर्स होती है वो हेल फायर के अराउंड ही रिवॉल्व करती है, एंड इसलिए गोस्ट राइडर्स भी हेल फायर को पूरी तरीके से कंट्रोल और मैनिपुलेट कर सकते हैं, जैसे कि हेल फायर का यूज करके डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सप्लोजन करना, ब्लास्ट करना और भी बहुत सारी चीजें। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, वो अपने व्हीकल्स को भी हेल फायर में चार्ज कर सकते हैं और अपने व्हीकल्स के साथ किसी भी डायमेंशन में किसी भी सरफेस पे बहुत इजीली ट्रैवल कर सकते हैं, एंड वो अपने व्हीकल्स की स्पीड को भी अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। वो हेलफायर का यूज करके डिफरेंट टाइप ऑफ वेपन्स क्रिएट कर सकते हैं जो कि बहुत ही डेडली होते हैं। एंड अगर आप लोग सोच रहे हैं कि गोस्ट राइडर की जो पावर का पिटारा है वो यहीं पे खत्म हो जाता है, तो आप लोग गलत सोच रहे हैं, बिकॉज गोस्ट राइडर के पास और भी बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ पावर्स हैं। जैसे कि अगर मैं उसके फिजिकल एबिलिटीज को साइड में कर दूं, जैसे कि उसकी सुपर नेचुरल स्ट्रेंथ, स्पीड, एजिलिटी एंड एंड्योरेंस, इन सब को अगर मैं साइड में भी कर दूं तभी भी गोस्ट राइडर के पास डिफरेंट टाइप ऑफ एबिलिटीज हैं। जैसे कि वो अपना साइज को मैनिपुलेट कर सकता है, बेसिकली वो अपने विल के हिसाब से ही अपने साइज को चेंज कर सकता है, डेड को रेज कर सकता है यानी कि किसी मरे हुए बींग की सोल को दोबारा से रिजरेक्ट कर सकता है। हालांकि वो किसी को किसी की कॉन्शियसनेस तो वापस नहीं कर सकता, यानी कि एक नॉर्मल बींग तो नहीं बना सकता, बट येट उनको रिवाइव करके अपनी एक आर्मी जरूर क्रिएट कर सकता है जो कि सिर्फ उसका कमांड माने। थॉर की ही तरह वो वेदर को भी कंट्रोल कर सकता है, यानी कि वो किसी भी टाइप के वेदर को मैनिपुलेट कर सकता है और अपने फाइट के सिचुएशन के हिसाब से यूज कर सकता है, जैसे कि थंडर स्टॉर्म्स को जनरेट करना, लाइटनिंग बोल्ट्स को कमांड करना एंड एक्सेट्रा। डेडली स्वॉर्म्स को जनरेट कर सकता है जो कि काउंटिंग में बहुत ज्यादा होती हैं। अपने क्लोन्स भी क्रिएट कर सकता है, यानी कि अगर एक गोस्ट राइडर कम है तो बहुत सारे गोस्ट राइडर फाइट में आ जाएंगे, बिकॉज गोस्ट राइडर के पास है क्लोन जनरेटिंग की एबिलिटी। सो आप खुद ही सोच सकते हैं कि अगर किसी फाइट में बहुत सारे गोस्ट राइडर आ गए तो क्या होगा। उसके पास पेन एंड स्टेयर की एबिलिटी है, एंड ये एबिलिटी उसकी वन ऑफ द मोस्ट डेडलीस्ट एबिलिटीज में से एक है, जिसमें वो किसी भी बींग सिर्फ आंखों में देखकर उसकी सोल को बर्न कर सकता है या फिर उसकी सोल को एब्जॉर्ब कर सकता है। एंड एक और पॉइंट कि गोस्ट राइडर एजलेस और इमॉर्टल बीइंग्स होते हैं, यानी कि उनको मारना लगभग इम्पॉसिबल है। तो अब अगर मैं बात करूं लूसीफर की, सो लूसीफर का पूरा नाम है लूसीफर मॉर्निंग स्टार, ऑल्सो नोन एज सैमुएल एंड लाइट ब्रिंगर। वो शुरू में गॉड के एंजल्स में से एक था, बट लेटर ऑन वो बन गया द इनफेमस रूलर ऑफ हेल। वो सर्व करता है एज द किंग ऑफ हेल, एंड यहीं से उसको एक और पॉपुलर नाम मिला था जो कि है द डेविल और सैटन, द रूलर ऑफ अंडरवर्ल्ड। हालांकि मैं लूसीफर की पूरी हिस्ट्री तो नहीं बता पाऊंगा, बिकॉज उसकी हिस्ट्री बहुत बड़ी है, एंड अगर मैं उसकी हिस्ट्री को एक वीडियो में कवर करने बैठूंगा तो वो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। सो हम लोग सीधा बात कर लेते हैं लूसीफर की पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में। सो जैसे थॉर के पास एस्गार्डियन फिजियोलॉजी है, वैसे ही लूसीफर के पास आर्कएंजल फिजियोलॉजी है। अब क्योंकि लूसीफर वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल एंजल्स में से एक है, तो इसीलिए वो कैरी करता है बहुत सारी अमाउंट ऑफ पावर्स एंड एबिलिटीज। लूसीफर ही वो एंजल था जो कि गॉड्स की ग्रेटेस्ट क्रिएशन था, गॉड्स ने बिल्कुल उसको परफेक्ट बनाया था, बट यह समय के साथ चीजें चेंज हुई एंड लूसीफर को हेवन से निकाल दिया गया, एंड इसी के बाद वो बना था डीमन लॉर्ड। सो सबसे पहली चीज जो लूसीफर के पास आती है वो है गॉड लाइक स्ट्रेंथ। गाइस, यहाँ पे मैं सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ गॉड लाइक स्ट्रेंथ की। लूसीफर की जो स्ट्रेंथ है वो भी इमेजरेबल है, उसके पास इमेंस फिजिकल फोर्स है, एंड जैसा कि मैंने बताया क्योंकि गॉड्स ने लूसीफर को एकदम परफेक्टली बनाया था एंड लूसीफर वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एंजल्स में से भी एक था, तो इसीलिए जो उसकी स्ट्रेंथ है वो इतनी है कि लूसीफर लिटरली किसी की भी स्ट्रेंथ को सरपास करने की ताकत रखता है, यानी कि वो सामने वाले अपोनेंट को भी अपनी स्ट्रेंथ से ओवर पावर कर सकता है। सिर्फ कुछ ही कैरेक्टर्स हैं जो कि लूसीफर की स्ट्रेंथ को मैच कर सकते हैं, एंड बहुत रेयर कैरेक्टर्स हैं जो कि इसकी स्ट्रेंथ को सरपास कर सकते हैं। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, लूसीफर के पास अनट्रैकेबल स्पीड भी है, वो किसी भी सर्वाइविंग बीइंग से ज्यादा फास्ट है। वो अपीयर एंड डिसअपीयर हो सकता है इन अ ब्लिंक ऑफ एन आई, एंड जब वो अपने विंग्स का यूज करता है तब तो वो स्पीड ऑफ लाइट से भी कई गुना फास्ट हो जाता है। एंड जैसा कि मैंने बताया, वो ऐसे अपीयर और डिसअपीयर होता है कि ऐसा फील होता है कि वो टेलीपोर्टेशन भी कर सकता है, एंड उसकी स्ट्रेंथ की तरह उसकी स्पीड भी इमेजरेबल है, यानी कि लगभग लिमिटलेस। वो टोटली डिपेंड करती है कि लूसीफर किस अपोनेंट से फेस कर रहा है। एंड अगर मैं बात करूँ लूसीफर की इंड्योरेंस, डेक्सेरिटी और रिफ्लेक्सेस की, तो लूसीफर को तो कोई इंजरी होती ही नहीं है, उसको इंजर्ड करने के लिए डिवाइन वेपन्स का यूज करना पड़ता है, बट फिर भी लूसीफर कुछ सेकंड्स में ही रिकवर कर लेता है, एंड ह्यूमन मेड वेपन से तो उसको कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। एंड गाइस, मैं आपको बता
जादू वो रिकवर इसलिए कर लेता है बिकॉज लूसिफर एक इमॉर्टल बीइंग है, वो बिलियंस ऑफ इयर्स ओल्ड है, वो सारे डिजीजेस टॉक्सिन्स हर चीज से इम्यून है एंड बहुत ही कम कैरेक्टर्स हैं जिनका एक्सपीरियंस फाइटिंग में लूसिफर जितना होगा। वो किसी भी अटैक को बहुत इजीली विदस्टैंड कर सकता है एंड जैसा कि मैंने बताया उसके पास रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर भी है एंड उसका जो हीलिंग फैक्टर है वो इतना फास्ट है कि ऐसा लगता है कि उसको कोई इंजरी हुई नहीं है बिकॉज वो बहुत जल्दी रीजनरेट हो जाता है किसी भी टाइप के वुंड से। उसके पास कॉस्मिक अवेयरनेस भी है यानी कि मल्टीवर्स में जो जो चल रहा है लूसिफर को हर चीज की नॉलेज है। वो शेप शिफ्टिंग भी कर सकता है यानी कि अपने साइज को पूरी तरीके से चेंज कर सकता है, अपने शेप को चेंज कर सकता है एंड किसी भी बींग का वो फॉर्म लेता है तो उस बींग की सारी पावर्स को भी इनहेरिट कर सकता है। वो हेलफायर को पूरी तरीके से मैनिपुलेट कर सकता है, डायमेंशनल ट्रैवल कर सकता है यानी कि किसी भी डायमेंशन में बहुत इजीली ट्रैवल कर सकता है एंड सिर्फ इतना ही नहीं वो रिजरेक्शन भी कर सकता है यानी कि किसी मरे हुए बींग को दोबारा से जिंदा करना एंड दूसरों की बॉडी से उनकी सोल्स को भी निकाल सकता है, स्पिरिट से कम्युनिकेट कर सकता है एंड सिर्फ स्पिरिट से नहीं वो एंजल्स से भी कम्युनिकेट कर सकता है। वो माइंड कंट्रोल, टेलीपैथी, हिप्नोसिस, बेसिकली उसके पास सारी टेलीकिनेटिक पावर्स हैं एंड अपने डीमन फॉर्म में आ जाने के बाद तो वो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है बिकॉज वो उसका ट्रू फॉर्म है। एंड यस गाइस, लूसिफर काफी इंटेलिजेंट भी है, वो काफी क्लेवर है, दूसरों के साथ माइंड गेम्स खेल सकता है, उनको इल्यूजंस दिखा सकता है। तो गाइस आप लोग सोच सकते हैं कि लूसिफर कितना ज्यादा पावरफुल डीमन है। हालांकि इसके अलावा भी उसके पास बहुत सारी पावर्स एंड एबिलिटीज हैं एंड बहुत सारे टाइप के वेपन्स भी हैं जिनके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। सो गाइस, ये तो हमने बात कर ली दोनों ही कैरेक्टर्स की पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में। तो अब अगर मैं बात करूं कि अगर कभी लूसिफर और गोस्ट राइडर में फाइट होगी तो कौन जीतेगा, सो मेरे ओपिनियन के हिसाब से बेशक गोस्ट राइडर बहुत ज्यादा पावरफुल बींग्स होते हैं बट आई डोंट थिंक कि फिजिकली गोस्ट राइडर लूसिफर का मुकाबला कर भी पाएंगे। जैसा कि मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में बताया है कि लूसिफर रूलर ऑफ हेल है एंड वो सारे हेल के डीमंस को कमांड कर सकता है इंक्लूडिंग ज़ेराथस। सो यस, लूसिफर ज्यादा पावरफुल है गोस्ट राइडर से। लेकिन गाइस, ये तो सिर्फ मेरा ओपिनियन है, आप लोग मुझे अपने ओपिनियंस कमेंट्स में बता सकते हैं एंड ये भी बता सकते हैं कि आपके हिसाब से कौन जीतेगा। सो यस, अब आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स वॉचिंग।